एक चीज बताइए, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी आती है हाँ उसे हम क्या मानेंगे? देखिए, गवर्नमेंट की सब्सिडी जो आ रही थी, जब हम उसमें लिखा था कि गवर्नमेंट क्यों सब्सिडी दे रही है, बिकॉज क्या ग्राउंड है आपका कि ड्यूटी ड्रॉबैक को आप नो सप्लाई मानते हैं? सर, पहले तो ये समझना होगा कि ड्यूटी ड्रॉबैक है क्या। ड्यूटी ड्रॉबैक है आपका क्या? दिस इज द रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बाय द मैन्युफैक्चरर। तो गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड सर्टेन परसेंटेज ऑन एवरी प्रोडक्ट, ठीक है ठीक ऑन दैट बेसिस दे आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। है तो ये सप्लाई तो सप्लाई नहीं है, बट दैट इज शेड्यूल 3 में कवर होना चाहिए। दिस इज द रिइंबर्समेंट ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स या रिइंबर्समेंट और रिफंड जो भी है। ठीक है, और ये शेड्यूल 3 में कवर होना चाहिए। यस, ओके, शेड्यूल 3 देख लेते हैं। शेड्यूल 3 में स्पेसिफिकली ऐसे कुछ मेंशन नहीं है। फिर ये जो GSTR 9 आया था सर, पहली बार तो मैं पूरा ये सर, पहली इसमें बार इंस्टीट्यूट का गाइडलाइंस देखा था अपना, जो इंस्टीट्यूट का गाइडलाइंस में नो वो सब आइटम्स लिखे हुए हैं। नहीं, जो पहली बार जब GSTR 9 आया तो यहाँ वो वर्ड आया कि नो सप्लाई क्या है और क्या हमको ऐड करना है। ये पहली बार GSTR जब 9 आया तब ये आया था, और वहां उन्होंने कुछ लिखा है। देखिए, शेड्यूल 3 में तो कवर नहीं होगा, लेकिन जैसे सेल ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स, क्या ये नो सप्लाई है? बिकॉज यस, दैट इज नो सप्लाई। इट इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। लेकिन सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मेरा एक व्यू है, अगर हम सेक्शन 17 को देखते हैं तो यहाँ पे मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो 42-43 का पार्ट बन जाता है। क्या? एक मिनट रुकिए, एक मिनट, पहले है ना उसको वहां तक नहीं जाएंगे। 42-43 के कारण इसको मानना चाहिए, वो आइडिया नहीं ले रहे हैं। एक बार मुझे एक बार ना शेड्यूल 3 समझ लेते थोड़ा सा। शेड्यूल 3 में ये कहता है कि इट विल बी ट्रीटेड एज नीदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज, करेक्ट है? यानी कि किसी न किसी स्टेज पे ये सप्लाई है, तभी तो नो सप्लाई माना गया है। हेलो, यस 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 जो चीज सप्लाई है, जो करेक्ट करेक्ट सर। चीज सप्लाई ही नहीं है, और सप्लाई क्या होता है कि देर शुड बी ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंसिडरेशन होना चाहिए, करेक्ट है? लेकिन जो चीज सप्लाई ही नहीं है, वो सप्लाई में तो जाएगा ही नहीं। यस और नो? करेक्ट 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 अब आप एक एक लाइन को पढ़िए। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, ये सप्लाई तो है ना। एम्प्लॉय सर्विसेज दे रहा है, उसको कंसिडरेशन मिल रहा है। दूसरा, सर्विसेज बाय एनी क्रो टू ट्रिब्यूनल, सप्लाई तो है ना, इसीलिए तो नो सप्लाई माना गया। इसमें ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सप्लाई ही नहीं है? समझ रहे हैं आप? यस सर। अब ये नो सप्लाई शेड्यूल 3 समझ में आ गया। अब हमने कहा कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज वो शेड्यूल 3 में नहीं है, लेकिन वो गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज भी नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सप्लाई। दैट वाइज इट इज नॉट ए सप्लाई। लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक में आपको पैसा मिला, आपने कौन सी सर्विसेज गवर्नमेंट को दी? कोई नहीं, कुछ नहीं। तो सप्लाई ही नहीं है, नो सप्लाई का तो बात ही नहीं आएगा। मैं पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता हूं, या कोई मैं लोन देता हूं, वो सप्लाई कैसे हो जाएगा? नहीं है सर, वो तो इंटरेस्ट क्लियर ही फ्री है। लोन दे रहा हूं, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा हूं। अरे इंटरेस्ट दोगे तो भी नहीं है सर, सप्लाई है। नहीं, इंटरेस्ट दे रहे हैं तब तो है ही ना, फिर तो एग्जेम्पशन में आ जाता है। तो मेरा तो यही टेक है कि ड्यूटी ड्रॉबैक क्योंकि सप्लाई ही नहीं है, नो सप्लाई की तो बात ही नहीं करें, इसीलिए वो एनुअल रिटर्न में कहीं शो नहीं होना चाहिए। कमल पोदार जी, करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। एक चीज बताइए, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी आती है हाँ उसे हम क्या मानेंगे? देखिए, गवर्नमेंट की सब्सिडी जो आ रही थी, जब हम उसमें लिखा था कि गवर्नमेंट क्यों सब्सिडी दे रही है, बिकॉज आप
कोई चीज किसी, मान लीजिए मैं सोलार पैनल किसी को बेचता हूँ, गवर्नमेंट कहती है कि आप सोलार पैनल आपके लिए 10 लाख का है, आप 8 लाख का बेचिए, 2 लाख मुझसे ले लीजिए, तो कंसेंट्रेशन तो है ना। ठीक है, तो जब आप इसकी यहाँ बात कर रहे हैं ड्यूटी ड्रॉबैक की, तो हाँ, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल क्यों रहा है? मतलब एक्सपोर्ट करने के कारण। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ना को ड्यूटी नहीं नहीं ड्रॉबैक नहीं गवर्नमेंट आप ने ऐसे दिया? मत लीजिए ऐसे। ओ हो, या तो आप उसको ड्यूटी ड्रॉबैक को सब्सिडी बोल दीजिए, तो सब्सिडी को मैं लिंक करूंगा किसी के साथ। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। आप ड्यूटी ड्रॉबैक को अगर सब्सिडी नहीं बोल पा रहे हैं तो ये आना ही नहीं चाहिए। कमल पोदार जी यस सर, बताइए। हम तो करें क्या? ठीक है सर, और किसी से बात करते हैं, देखते हैं अगर आपका व्यू ये है तो। सर अगर शेड्यूल 3 में तो कवर नहीं हो रहा है, शेड्यूल 3 में तो कवर नहीं हो रहा है, दिस करें। नहीं, शेड्यूल 3 में तो कौन सा कवर हो रहा है ये तो समझ में आ रहा है ना, जो सप्लाई है वही तो शेड्यूल 3 में कवर हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं जो सप्लाई ही नहीं है वो शेड्यूल 3 में कवर नहीं हो रहा है ना गुड्स, क्योंकि सप्लाई ही नहीं है। आप समझ रहे, सेक्शन 7 का कंडीशन तो सेटिस्फाई करे। कोई इंग्रेडिएंट, सप्लाई का इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होता ही नहीं है ड्यूटी ड्रॉबैक में। अब मान लीजिए एक एक आपके घर से या आपके आपने पर्सनल ज्वेलरी बेची, क्या वो नो सप्लाई हो जाएगा? नो दैट इज सप्लाई, ज्वेलरी हाँ जी, का सेल करते हैं, दैट इज सप्लाई ना, नहीं, आप अपने घर से ज्वेलरी बेचते हैं पर्सनल। पर्सनल, तो क्या वो सप्लाई है भी? सप्लाई नहीं है उसको, उसको वो नहीं मान सप्लाई ही सकते। नहीं है तो वो थोड़ी बिजनेस आप बिजनेस नहीं उसको है, नो इनका सप्लाई कोर्स मान ऑफ के आप। बिजनेस, इनका कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। यस, तो सप्लाई नहीं है। सर हाँ इसके अंदर एक पॉइंट ये ले सकते हैं कि जैसे शेड्यूल 2 के अंदर कुछ सर्विस और गुड्स को डिस्टिंग्विश किया कि कौन सा गुड्स है कौन सा सर्विस है, तो उसमें हाँ एक एंट्री ये भी है टू डू एन एक्ट और रेफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। अरे राइट, हम लोग कैसे ग्रुप में चलता रहता है, तो सर जो ड्यूटी ड्रॉबैक हम लोग मुझे का मिला ग्रुप वो है ये। डू एन एक्ट के लिए मिल रहा है ना। नहीं सर, फिर से ये करिए। मैंने बोला कंपटीशन के लिए वो एप्लीकेबल है सर। इफ यू आर रिफरेंग टू एक्ट, मतलब कोई कंपटीशन कर रेफरेनिंग टू रहे एक्ट टू और टू डू एन एक्ट। डू एन एक्ट, बराबर है? मतलब आपका कोई धंधा है, किसी ने आके ले लिया है मार्केट में, और आपको बोल देता है कि आपको मैं 2 करोड़ रुपए दे देता हूँ, आप अपना बिजनेस मुझे दे दीजिए, और आपको ये कंडीशन पे मैं 2 करोड़ दे रहा हूँ कि आप कभी भी इस इलाके में कुछ काम नहीं करेंगे। वो तो सर एक एग्जांपल हो गया उस एंट्री का। एग्जाम्पल मतलब इसी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मीनिंग ये है। तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब ये तो नहीं है ना कि इसको कुछ एक्ट नहीं करना है। उसके अंदर टू डू एक्ट भी कवर्ड है शायद। सो डू नहीं नहीं एक्ट मतलब वो अलग ही अलग ही, एंगल है। अलग ही एंगल है प्रतीक जी, अलग ही एंगल। वो आप इस, हाँ ना, वो कहीं और ले जा रहे हो। चलिए हाँ ठीक है। सर, हाँ मैं दूसरा चीज पूछना चाहता हूँ। ये अपना सेक्शन रूल 42-43 के लिए ही आप पूछ रहे हैं ना ड्यूटी ड्रॉबैक, एग्जम्पशन में ना चला जाए, इसलिए नो सप्लाई में ना चला जाए। हाँ नहीं, क्या कमल पोदार जी ने एनुअल रिटर्न में ड्यूटी ड्रॉबैक को नो सप्लाई में डाल दिया ठीक है, और उसके कारण नोटिस आ गया, भैया ये ड्यूटी ड्रॉबैक को नो सप्लाई में डाला, ऐसा करो 42-43 की बेसिस पे रिवर्सल रिवर्सल करो। करो। तो अब हम लोग कमल जी के साथ यही डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले रिटर्न में, क्योंकि वो एक्सपोर्ट का ही फर्म है, हर बार आप ड्यूटी ड्रॉबैक को नो सप्लाई डालेंगे तो वो गलत हो जाएगा। और मैंने तो क्या किया, ड्यूटी ड्रॉबैक डाला भी है, और ऊपर से मैंने उसको क्लेरिफिकेशन भी दे दिया है नोटिस में। अच्छा, आप भी डाल रहे हैं एनुअल रिटर्न में? मैंने भी पहले डाल दिया था 70-80, अच्छा 80-90 में, किसको मालूम था सब ये सब। हाँ, मैं डाल दिया था, उसका नोटिस तो रिवर्सल का अमर को भी आ गया है, तो हम लोग को अच्छा लिख के दे दिया है कि इट हाँ, नॉट बी कवर्ड फॉर रिवर्सल ऑफ 42-43। वो एग्जाम सप्लाई में है ही नहीं। करेक्ट, ठीक है। हाँ मतलब सिर्फ ये आप कमल जी हम ये यहाँ पे आया क्लियर है। ले सकते हैं कि मेरे बुक्स के डेटा को कैसे मैच किया जाए, इसलिए मैंने यहाँ इसको डाला है, इसलिए यहाँ हाँ नहीं, रिवर्सल पहले का वो कोई तो क्वेश्चन नहीं बाद है। का बात है, पहले कमल जी मान तो लें कि ये नो सप्लाई ना है। हाँ, ओके ओके सर, हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये हाँ पर्सनल जो फॉर्म जो होती है पार्टनरशिप फॉर्म, लोन देती है सरप्लस मनी को, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो एग्जम्पशन इनकम में रिवर्सल का पार्ट बनेगा रूल फोर्टी टू नहीं फोर्टी नहीं नहीं वो अगेन वो नो सप्लाई और एग्जाम सप्लाई का केस ही नहीं है, ट्रांजेक्शन ओनली इन मनी है, वो सप्लाई ही नहीं है।